हेलो फ्रेंड, कारपेंटर शैलेश पंचाल चैनल पर आपका स्वागत है। दीवार में बनी फ्रेमिंग अलमारी की डिज़ाइन, तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मालिये की फ्रेम से। तो दोस्तों मालिये का जो बेज है वो पूरा प्लाईवुड की फ्रेम पर आधारित है और इस प्रकार से हमने इसमें डिजाइन किया है। और फिलहाल जो मैं आपको डिजाइन नीचे अलमारी की दिखा रहा हूँ, ये वैसे तो दीवार के अंदर ही बनी अलमारी है, हमने सिर्फ उस पर फ्रेमिंग करके पल्लू दे के बीच में जो पैसेज बचता है, इनमें ग्राहक की रिक्वायरमेंट थी मिरर की, तो इसमें मिरर लगाया है। और इस अलमारी के अंदर एक लॉकर प्लस दो ड्रॉवर दिए हैं और इसके ऊपर आप कपड़े ये देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर एक रॉड लगाया है ताकि इसमें कपड़े टांग सके और साइड में एक पैसेज दे दिया है ताकि इसकी मैं कपड़े की थप्पी भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इसमें यहाँ पर चूड़ियाँ रखने के लिए भी एक रॉड दिया है और यहाँ पे एक हैंगर दिया है ताकि कपड़े लटका भी सकते हैं। और प्लाईवुड फ्रेमिंग पूरा है, इसमें जो बेज है फ्रेम का वो प्लाईवुड के ऊपर ही आधारित है। और दूर से देखने में दोस्तों कुछ इस प्रकार से अलमारी दिखती है। और इस साइड की जो अलमारी है दोस्तों, ये सिर्फ गद्दे और तकिए रखने के लिए ही बनाई है और आप देख सकते हैं पूरी दीवार में ही अलमारी है, हम लोगों ने सिर्फ इसमें फ्रेमिंग किया है। और दोस्तों ये एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है जो पूरा दीवार में ही हम लोगों ने बनाया है डिजाइन करके। तो दोस्तों इसमें हमने बिल्कुल सिंपल मिरर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसमें पेंटिंग भी करवा सकते हैं मिरर में। और आप देख सकते हैं इसमें पैसेज बहुत ही काफ़ी है और यहाँ पे चूड़ियाँ रखने के लिए रॉड एक और भी इसमें दी है, तो आप पैसेज देख सकते हैं काफ़ी इसमें पैसेज है। और ये पूरा दीवार में ही बनाया गया है क्योंकि हमारे इधर दीवार की अलमारियाँ ज़्यादा होती है, तो इसके नीचे एक दोस्तों ड्रॉवर दिया गया है ताकि इसके अंदर कुछ भी चीज़ें रखने में आसानी हो सकती है। तो दोस्तों इसमें साइड में भी एक छोटी सी अलमारी दी है और इसमें भी काफी सारा पैसेज है, आप देख सकते हैं। दीवार में बनाया गया मंदिर। तो दोस्तों गुजरात में यहाँ पर गांव में ज्यादातर अलमारियाँ दीवार में ही होती है, तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने दीवार में ही मंदिर को डिजाइन कर दिया है। और छोटा सा यहाँ पर पैसेज के तौर पर एक शटर देके पूजा अर्चना का सामान रखने के लिए यहाँ पे पैसेज अलग से दे दिया है ताकि पूजा अर्चना का सामान अलग से रख सकते हैं। और दरवाजे के तौर पर दोनों तरफ ग्लास के दरवाजे दिए हैं ताकि मंदिर के अंदर जो भी भगवान की तस्वीर होती है या मूर्ति होती है वो क्लियर बाहर से दिख सकती है। और दोस्तों ये सारी जो आर्च है, खम्भे है, वो यहाँ मार्केट में रेडीमेड मिल जाते हैं, तो मंदिर को डिजाइन करने में भी बिल्कुल आसानी हो जाती है। और इसके अंदर दोस्तों गोल्डन कलर और पॉलिश का इस्तेमाल किया है। और ये ड्राइंग रूम की अलमारी और मालिये का कबाट है और इसमें दोस्तों हम लोगों ने CNC कटिंग का इस्तेमाल किया है। और ये मार्केट में अगर आप 4 mm थिकनेस में लेते हैं तो 250 से 300 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से डिज़ाइन मिल जाता है। और इससे अगर आप थिकनेस में थोड़ा सा पतला डिजाइन खरीदते हैं तो हो सकता है आपको 200 रुपये में भी मिल सकता है, क्योंकि थिकनेस के ऊपर इसका जो रेट होता है वो होता है।
तो इस अलमारी में ग्लास का प्रयोग किया गया है। किचन क्रोकरी अलमारी। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगला कोई भी वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना सा ही। मिलते हैं ऐसे ही कोई टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।